हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको इस बैंक ऑफ इंडिया के कैश डिपॉजिट मशीन के हेल्प से बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले नीचे में आपको कैश डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके बगल वाले बटन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, अकाउंट नंबर वाले बटन को क्लिक कर लेना है इसके बगल में। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे 100, 200, 500 और 2000 के नोट ही डाल सकते हैं और एक बार में आप 200 से ज़्यादा नोट को नहीं डाल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस अकाउंट में आप पैसा डालना चाहते हो उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। नीचे में मैं दिखाता, तो आपको यहां पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं, इनके हेल्प से आपको अकाउंट नंबर डालना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे इन बटन के हेल्प से अकाउंट नंबर को डाल लेता हूं। अकाउंट नंबर को डालने के बाद जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन, इसे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि आप अकाउंट नंबर को फिर से री इंटर करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा से आपने जिस अकाउंट नंबर को पहले डाला था, आप उस अकाउंट नंबर को फिर से डाल दें। दोबारा से अकाउंट नंबर के डालने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे जो कंटिन्यू का बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन को क्लिक करते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, जिस भी अकाउंट में आप पैसा भेजने चाह रहे हो उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि ये नाम सही हो, और अगर आपने अकाउंट नंबर सही डाला और नाम सही आया है तो उसके बाद जस्ट आपको इस कन्फर्म के बटन में क्लिक कर लेना है। कन्फर्म के बटन में क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा कैश डिपॉजिट चैम्बर है ये खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको जितने भी पैसे डालने है आप वहां पे डाल सकते हो। मैं आप दिखा देता हूं, यहां पे मैंने 300 का नोट डाल रहा हूं और 2 500 का नोट है। ओके, तो मैं फटाफट से इसे यहां पे डाल देता हूं। इस तरह से आपको यहां पे रख देना, सिंपल रख के अपने हाथ को हटा लेना है। हटाते ही देखिए ये चैंबर बंद हो जाएगा और काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि दिखाई दे रहा आपको कैश काउंटिंग प्रोसेस जो है वो चालू है। उसके बाद आपने जितने भी पैसे यहाँ पे डाले हैं, जितने भी नोट्स डाले हैं, उनका डिटेल्स आपको सामने आ जाएगा। ये देखिए 100 के 3 नोट और 500 के 2 नोट, टोटल अकाउंट अमाउंट भी दिया हुआ है। आपको यहाँ पे डिपॉजिट कैंसिल और ऐड कॉस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप और पैसे डालना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कैश कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डिपॉजिट में सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन आ चुका है और जिस आपने अकाउंट नंबर भेजा है वहाँ पे पैसा भी जा चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स जस्ट कंफर्मेशन सारा कुछ होने के बाद यहां से एक स्लिप निकल जाएगा, रिसिप्ट निकल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए रिसिप्ट आ चुका है और इस रिसिप्ट में सारा डिटेल होगा कि जितना पैसा आपने जमा किया है और कहां पे जमा किया है, ये सारा डिटेल यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना आसान है इस कैश डिपॉजिट मशीन को यूज करके पैसे को जमा करना। तो अगर आज की इस वीडियो में आप इस कैश डिपॉजिट मशीन के हेल्प से पैसे को जमा करना सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।